एक्सचेंज करनी है एक्सचेंज बताने के लिए। और ये जो गाड़ी चल रही है ना मेरे साइड में, मैं फैन हो चुका हूँ इसका। जो बात है नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। तो भैया आपको फ्रेम में फाइनली बहुत टाइम बाद एक ऐसी गाड़ी की ड्रैग रेस देखने को मिल रही है जिसने मेरे को जो मैं आज हूँ वो बनाया है। तो ये रही मेरी पुरानी वाली XUV 500 हनुमान गियर वाली, अगर आपको याद होगी। और जिस गाड़ी के साथ आज इसकी ड्रैग रेस लाया हूँ ना, बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है। तो आज है मेरे साथ जीप की कंपस डीजल मैनुअल। दोनों गाड़ियाँ डीजल हैं, दोनों गाड़ियाँ मैनुअल है। तो अगर इनकी पावर स्पेक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये निकालती है 171 BHP और 350 Nm का टॉर्क। इसकी बात करूँ ये पावर में इससे ऑब्वियसली कम है, लेकिन याद होगा ये गाड़ी क्या चीज़ थी। तो XUV 500 की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक है डीजल 2.2 140 BHP और 330 Nm का टॉर्क। टॉर्क वाइज 20 की कमी है, पावर वाइज 30 BHP की कमी है। और दोनों गाड़ियाँ जो मैनुअल हैं, किलोमीटर की अगर बात करूँ ना, ये चली हुई है भाई 144,000। इसकी बात करूँ तो एग्जैक्टली 1,00,000 ज़्यादा चली हुई है, यानी कि 244,000 किलोमीटर। तो दोनों गाड़ियाँ ना अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा चली हुई है। और सबसे पहले ना मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगा हमारे जीप कंपस के मालिक को, क्योंकि उनसे आप मिले तो ज़रूर हो मेरे चैनल पे। मालिक कम ऑन प्लीज़, कम बिहाइंड द इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सार्थक भाई, हेलो भाई, हाउ आर यू आज? वेरी गुड, वेरी गुड। ब्लैक ब्यूटी, हां जी, नाइस बीस्ट। ये बीस्ट और मॉडल कौन सा है इसका? ये है 2017। 2017 से अभी 5 साल में 140-144 चला चुके हो आप। ये एग्जैक्टली 1,00,000 ज़्यादा चली हुई है, 244 चली हुई है। तो क्या लग रहा है भाई आपको, मतलब आपने XUV कभी किससे सुने ही होंगे। हाँ जी, और ये भी भाई अपने सेगमेंट में महाराजा गाड़ी ये भी है। हाँ जी, हाँ जी, कह सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली ये जीतेगी, क्योंकि ये अमेरिकन है, बिल्ट में एसी और इंजन बहुत बढ़िया है इसका। अब बाकी देखते हैं। तो भाई 3 राउंड करेंगे, एक में आप ये चलाओगे, मैं ये चलाऊंगा, दूसरे में ड्राइवर चेंज करेंगे, तीसरे में जो है हम करेंगे रोलिंग रेस फाइनल। ठीक है, सेफ रहेंगे। और जहाँ तक है भाई 130-135 पे ब्रेक मार देने हैं, जो जिसने वो स्पीड पहले अटेन कर ली वो विनर। ओके, करें शुरू? चलो जी करते हैं। तो लो भाई फाइनली इस गाड़ी के अंदर मैं आ चुका हूँ। ये रही, एसी ऑफ रखेंगे, ट्रैक्शन ऑफ रखेंगे दोनों गाड़ियों का। भाई से कह लो एक बार, भाई एसी ऑफ, ट्रैक्शन ऑफ। ओके, ठीक है, 3 हॉर्न करूंगा, 3rd हॉर्न पे सुनते ही लॉन्च। लॉन्च आपके ऊपर है भाई, आप कैसे ले रहे हो? रेस वाला लॉन्च लेना है, आप तो हैवी ड्राइवर हो, मैंने आपके किससे सुने हूँ। मेरे को डर लग रहा है। चलो भाई फर्स्ट राउंड डन, रेडी? तो ESP ऑफ और अपना शिट भाई, क्या भागती है ये? लॉन्च भी लेट था पर तब भी भाई, लॉन्च भी लेट था। देखो यार मेरे को, चलो ये स्टॉक वाली है, बेचारी बुड्ढी भी हो रखी है, मेरे को अभी वो हो रहा है कि जो ट्यून्ड वाली है उसके साथ इसका क्या रहेगा, क्या रहेगा। हाँ, बराबर भागने वाली भाई दोनों गाड़ियां। जो मेरे को लगता ये बहुत ज्यादा आगे निकलेगी ये। हाँ, कंपस ट्यून्ड वाली से। हाँ भाई, पता नहीं क्यों ज्यादा, देखो 19-20 हो सकता है आगे रहे, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज के लिए, ठीक है, लेकिन
पावर बराबर है दोनों गाड़ियों में, टॉर्क उस वाली में ज्यादा है, बस फर्क ये है वो है ऑटोमेटिक, ये है मैनुअल। तभी तो काफी सारी चीजें देख के ही बोल रहा हूँ यार वो। और भाई कह सकता हूँ मैनुअल से मेरा यार हाथ उठा पड़ा है। ना तो मेरे से बड़ा हैवी ड्राइवर कौन था देश सच्चाई है भाई। तो भाई ये था फर्स्ट राउंड, फर्स्ट राउंड की विजेता रही है जीप कंपास। सेकंड राउंड में अब करने वाले हैं हम ड्राइवर्स चेंज, और फिर देखता हूँ ड्राइवर का फर्क रहता है या फिर गाड़ियों का फर्क है ही है, क्योंकि भाई का हाथ ऑब्वियसली मैनुअल पे ज्यादा बैठा हुआ है क्योंकि मेरी आदत छूट गई, वरना मैं बचपन से मैनुअल बॉय था। तो कुछ लोगों ने मेरी आदत बिगाड़ दी। तो सेकंड राउंड में करते हैं ड्राइवर्स चेंज। किलर सिस्टम ब्रो, किलर सिस्टम, मजाक के अलावा। तो सेकंड राउंड भाई अब कर रहे हैं हम ड्राइवर्स चेंज। ओके आ जाओ। गाड़ी तो है हालांकि भाई भी फुल म्यूजिक सुन के आ रहे हैं 6 days। ओ जब ही तो भाई फॉर्म में आ रखे थे, बीच में सीट बेल्ट लगा होती। आहा ठीक है, सीट की पेटी बांध लीजिए, हैंड ब्रेक कर लिया नीचे, ना ट्रैक्शन है ऑफ। आप हॉर्न दे दो अब की बार। ओके दे दोगे? हाँ चलो ठीक है। 3 लो जी। ओके चलो भैया तोली है, ये तो विमान है भाई, क्या जेट है ये, मैं तो साइड व्यू मिरर में भी नहीं दिख रही। भाई फाइनल राउंड है, रोलिंग करते हैं ठीक है, सेकंड गियर पे रखते हैं दोनों गाड़ियों को और 30 की स्पीड मेंटेन करके, वो गाड़ी खड़ी है ना एक्सेंट, वहाँ से एक्सेलरेट करना शुरू और जहाँ तक मेरा भाई खड़ा है वहाँ ख़त्म। ठीक है मर्जी है, कौन सी चलाना चाहोगे आओ। क्या गाड़ी है जीप कंपास, जेन्युइन सामान। तो भाई अभी तक हमने करे 2 राउंड और ड्राइवर्स भी चेंज कर लिए, गाड़ियां भी चेंज कर ली, अब फाइनल राउंड है अपना 30 पे सेकंड गियर। 30 पे सेकंड गियर पे मेंटेन करते हैं, जैसे ही एक्सेल टच करेंगे ना हम हॉर्न बजा देंगे, हॉर्न बजाते ही एक्सेलरेट। ठीक है लो भाई। तो भाई 2 राउंड हो चुके हैं, दोनों की विजेता कंपास रही है, लास्ट राउंड है, फाइनल राउंड है। चलो भाई देखो गैप बताऊं कितना है कि ये और मेरी ट्यून वाली गाड़ी बराबर चलेंगी, मतलब वो तो अभी पता चल ही जाएगा। तो शुरू कर रहे भाई, 3 2 शिट भाई, अल्टीमेट पावर यार, अल्टीमेट पावर। शब्द नहीं है गाइस, मैं क्या करूं गाइस,
मैं किधर जाऊंगा चुल्लू पर पानी में डूब जाऊं क्या गाइस? यस गाइस यस यू आर करेक्ट। तो भाई अभी तक करे हमने 3 राउंड और इतना ही करने थे, इतना ही सफिशियंट होता है गाड़ी के असली टेंडेंसी को बताने के लिए। और ये जो गाड़ी चल रही है ना मेरे साइड में, मैं फैन हो चुका हूँ इसका। जो बात है भाई, क्या भागती है जीप कंपास, और इतना कॉन्फिडेंस देती है ना, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा मतलब लो है गाड़ी, और मतलब इतनी बैलेंस गाड़ी मैंने नहीं देखी यार, टू बी ऑनेस्ट। तो करी हमने ड्रैग रेस, 3 राउंड करे, और ये जो है ना काला झोटा, रोडी सल्यूट दूं इसको मैं कह रही थी कुछ आज की वीडियो, अंत लेवल की गाड़ी है भाई, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और यही थी कुछ आज की वीडियो, ऐसा करता हूँ आपको अच्छी लगी ऐसी वीडियोज आपके लिए लाता रहूँगा, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, चैनल को प्यार दिखाओ, मेरे को दिखाओ, इसको दिखाओ। अब मेरे को वेट है भाई जो मेरी असली ट्यून्ड गाड़ी है उसके साथ इस गाड़ी का ड्रैग रेस करने का। दोनों गाड़ियों में ना पावर सेम है, हालांकि टॉर्क उसमें ज़्यादा है, पर टॉर्क कन्वर्टर है तो टॉर्क का हल्का लॉस भी होता है। देखते भाई गाड़ी कैसी कुछ भागती है, क्या कुछ परफॉर्मेंस निकाल के देती है। ट्यून्ड रहना ट्यून्ड गाड़ी को देखने के लिए, और मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।